दिल्ली वालों ने लगातार बीजेपी को नकारा है। पिछले 25 सालों से, पिछले 25 सालों से दिल्ली में दिल्ली सरकार बनाने के लिए जितने चुनाव हुए सारे चुनाव बीजेपी हारी। 25 सालों से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर। 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव दिल्ली का लड़ा, बीजेपी हारी। 2015 में जब आम आदमी पार्टी ने दूसरा चुनाव दिल्ली में लड़ा, बीजेपी हारी। जब 2020 में आम आदमी पार्टी ने तीसरा चुनाव दिल्ली में लड़ा, बीजेपी हारी। आज बीजेपी हार हार कर भी सबक नहीं ले पाई। अब चोर दरवाजे से जोड़ तोड़ कर खरीद फिरोत कर और केंद्रीय जांच एजेंसियों का, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर हमारी सरकार तोड़ने की कोशिश कर रही है। हमारे विधायकों को बुलाकर बीजेपी के नेता कहते हैं कि अगर हम मनीष सिसोदिया का ये हाल कर सकते हैं तो तुम तो साधारण विधायक हो, तुम्हारा तो कितना बुरा हम हाल कर सकते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। हमारे एमएलएस को साफ तौर पे कहा जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ या ईडी सीबीआई तुम्हारे पीछे लगा देंगे, पकड़ के जेल में बंद कर देंगे, फिर बेल भी नहीं होगी। सीधी धमकी हमारे लोगों को दी जा रही है। और मैं इस सरकार बनाने का दावा करने वाली बीजेपी को, दिल्ली में 70 में से मात्र 8 विधायक होने के बावजूद भी सरकार बनाने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के लोग उस मिट्टी के नहीं बने जो दगा दे दें दिल्ली के लोगों को या अपनी पार्टी को। आपने कई बार कोशिशें करी हमारे विधायक खरीदने की, 2013 में भी करी, 2015 में भी करी, 2019-20 में भी करी, 2022 में भी करी, लेकिन आप हमारे एक विधायक को नहीं तोड़ पाए। एक विधायक आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसके विधायक डर के या प्रलोभन के चलते अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए। यह आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से जन्मी पार्टी है। हम उस मिट्टी के नहीं बने कि हम अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी के पास चले जाएं और दिल्ली वालों से दगा कर लें। मेरा बीजेपी को यही सुझाव रहेगा कि ये नापाक कोशिशें बंद करिए। जनता के दिए गए फैसले का, चुनावों में जब जनता अपना मतदान देती है उस फैसले का अपमान मत करिए, उसकी कद्र करिए और जनता के फैसले को स्वीकार करना सीखिए।